गरियाबंद में फिंगेश्वर ब्लॉक के पथरी गांव में अवैध रेत खनन को लेकर न्यूज 18 की टीम ने खबर दिखाई थी और बीते दिनों अवैध रेत खनन को लेकर ग्रामीणों ने गुस्से में आकर नदी में उतरते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसकी खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद अब खनिज विभाग के अधिकारी हरकत में आए हैं और मौके का मुआयना कर शिकायत को सही पाया। विभाग ने इसके बाद कार्रवाई करते हुए चेन माउंटेन को सील किया और सीमांकन के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि ग्रामीणों का यह कहना है कि लंबे समय से स्वीकृत स्थान को छोड़कर रेत माफिया पथरी में अवैध रेत का उत्खनन कर रहे हैं। तो पहुंच गए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं और चेन माउंटेन को तो सील मार दिए हैं और हम लोग चाहते हैं गांव वाले उचित से उचित कार्रवाई करें। ठेकेदार लोग क्या है, बहुत मनमानी कर रहे हैं भाई। इधर का न लेके रेती लिया उधर लीच का न निकाल करके बगैर लीच वाले कर रहे हैं, आप फर्जी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं रेती। जहां पथर्री में अवैध उत्खनन हो रहा है, क्योंकि पथर्री और गधीडीह स्वीकृत है और मौके पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये पथरी क्षेत्र में उत्खनन हो रहा है, तो इस पर हमने अभी सील करने की कार्रवाई की है। ग्रामीण अवैध रेत उत्खनन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वही खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पथरी में पहुंचकर चैन माउंटेन को सील किया है। तो ये अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है। लगातार ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि स्वीकृत जो एरिया है फिंगेश्वर क्षेत्र का गधीडी, वहां न खोद कर पथरी में खोद रहे थे और जैसे ही जानकारी ग्रामीणों को मिली तो यहाँ पर हल्ला बोल दिए और सूचना देने के बाद अधिकारी आखिरकार पहुंचे और यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की है सर। और पथरी एरिया में जो अवैध तरीके से खुदाई चल रहा था वहाँ सीमांकन किया जाएगा, उसके बाद गौण खनिज अधिनियम के तहत एक और बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी। तो लगातार देखिए कि चौबे बांधा के बाद अब पथरी में एक चैन माउंटेन को सील किया गया है। तो खनिज विभाग के अधिकारी यहाँ पर फागूलाल नागेश अपने दल बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों की शिकायत के बाद और न्यूज 18 में खबर दिखाए जाने के बाद कहे कि न्यूज 18 का एक बड़ा खबर का असर हुआ और अधिकारी पहुंचकर पथरी में चल रहे अवैध रेत खदान को बंद कराया है और एक चैन माउंटेन को सील किया है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। जशपुर जिले में सूखते नदी नालों के चलते गिरता जलस्तर भीषण गर्मी में जिलेवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जशपुर जिले में हैंडपंप, बोरवेल सभी सूख पड़े हैं और हालांकि कहने को तो जल संवर्धन और संरक्षण के लिए साल भर कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता की वजह से जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए विशेष पहल नजर नहीं आती और ना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शासकीय भवनों या नागरीय निकायों के भवनों में नजर आता है, जिसके चलते आरंभ यह है कि जिलेवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे नज़र में जो जल स्तर घटा है उसका कारण ये बोला जा सकता है कि जो नदियों के किनारे में अतिक्रमण लोगों का किया गया है उसके कारण जो नदियों का क्षेत्र है वो काफ़ी कम हुआ है और उसके कारण में शहरों में जो ग्राउंड लेवल वाटर है उस वो नीचे जाते जा रहा है। शहरों में जो विकास के कारण में जो सीमेंट के ये सब के बनाए जा रहे हैं रोड और उसके कारण जमीन के नीचे पानी जाना दुर्लभ हो गया, उसके कारण नीचे और जल स्तर घटते जा रहा है, उसके कारण जल की कमी होते जा रही है शहरों में। क्या कारण मानते हैं? जशपुर ज़िले में नदियों का जो उद्गम स्थल है उसके साथ जो मानवीय छेड़छाड़ की जा रही है या उद्गम स्थल पर अतिक्रमण किया जा रहा है उससे पूरे ज़िले का जो वाटर जल स्तर है वो कम हो गया है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग की माध्यम से जुड़ना चाहिए, जिसके तहत बरसात का पानी को रोका जा सके। प्रशासन को इस ओर ध्यान देनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ही कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले समय में बहुत गंभीर जल समस्या खड़ी हो सकती है।